पहले समझना होगा कि जाना कहाँ है। एक बार स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट। लड़के ने कहा, टिकट दे दो, आपको बात समझ नहीं आ रही, टिकट दे दो मुझे। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये थोड़ा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर पूछा, अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे बस टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने व्यक्ति को वहां से भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो लड़का थोड़ा गुस्सा हुआ और वहां से चला गया। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक ट्रेन आ गई, सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे, वह लड़का भी उस ट्रेन में तुरंत चढ़ गया। अब मैं सभी के से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना है। आप बताइएगा कि वह लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि वह लड़का अब कहाँ पहुँचेगा। अब मुझे बताइए कि वह लड़का कहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई उसे जाना है, या फिर वहाँ जहाँ पहुँचेगा जहाँ वह उसे ट्रेन ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी। आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफर तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यारों को दिखाने के चक्कर में लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद वह बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर थोड़े दिन बाद उसे एक स्टेशन दिखता है, बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो वहीं उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे यह समझ में आता है कि मुझे आना ही नहीं था यहाँ पर, तो मुझे जाना कहाँ था। वह इस बात को सोचने लगता है। अब फिर से आप अपने आप से सवाल पूछिए। कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं बिना लक्ष्य बनाए और कुछ दिनों बाद आपको यह महसूस होता है कि आप यह नहीं बनना चाहते थे, आपको यह करना ही नहीं था। तो आप किसी और की चीज के लिए परफेक्ट हैं, तो आपको वो करना था, लेकिन आपने दूसरी चीज को दिखाने के चक्कर में करना शुरू कर दिया। आप सिर्फ लोगों के दिखाने के चक्कर में किसी चीज को बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आपका लक्ष्य नहीं होता। बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपका जीवन पूरा खराब हो सकता है। वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज भी खराब होती ही है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको सबसे पहले जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ट्रेनें लगी होती हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेनों में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन को ढूंढना है जो आपको आपके निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाए। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के ही घूमते भटकते रहते हैं और बेवजह ही खुद को परेशानी में डालते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी और प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हैं? फैसला आपका है।